हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अब इसी आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे NCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आज आपका क्लोज हुआ है 257.55 पे। ये शेयर आज हाई गया था 267.80 और लो गया था आपका 253.80। ओके, फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया जो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका 1164.97 करोड़। इस कंपनी को ऊपर डेप्थ थे आपका 300.83 करोड़, मतलब इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.45। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानता है, यहाँ पे 1 से कम है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और एक चीज, इस कंपनी का आपका कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.69। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानता है, यहाँ पे 1 से ज्यादा है। और कंपनी के पास अभी आपका कैश है 70.82 करोड़। प्रोडक्ट्स का होल्डिंग है इस कंपनी में 43.75%, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट भी है, ये जो 43.75% में है इसमें एकदम थोड़ा सा अमाउंट, मतलब 6.48% का शेयर प्लेज है। अर्निंग पर शेयर है आपका 33.43। आपका सेल्स ग्रोथ हुआ इस कंपनी का इस साल में 47.70। रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 24.92%, जो बहुत ही अच्छा है। ROCE है आपका 27.50%, जो बहुत ही अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ इसका हुआ है इस साल आपका 192.42%, जो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज, सितंबर महीने का जो लास्ट डेटा मिल रहा है उस हिसाब से सुपर इन्वेस्टर डॉली राजीव खन्ना शेयर इस कंपनी में 20.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फंडामेंटली। अभी हम लोग सीधे आ जाएंगे चार्ट पे। तो हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को टेंथ क्लियरली समझ में आता है। तो देखिए, ये शेयर लगभग यहाँ से आपका फरवरी महीने में था, इस साल के मतलब 2021 का ये शेयर था आपका 145 का लगभग। वहां से ये शेयर अप टेन बनाया, हाई गया था आपका 304 के करीब। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लो बनाया आपका 218 के करीब। फिर ये शेयर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले आपका डे चार्ट के हिसाब से सुपर टेन ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे बाय सिग्नल दिया। जिस कैंडल पे बाय सिग्नल दिया उसी कैंडल पे ए शेयर ने उसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज था उसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन सही से तोड़ नहीं पाया। लेकिन ठीक 3 दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इसका जो फिर आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज है उसको तोड़ दिया। ठीक है, RSI देखिए आज के डेट में अबव 60 है। MACD भी देखिए कुछ दिन से पूरा एकदम ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है और 0 पॉइंट से ऊपर ही है। और देखिए, कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इसका जो आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसको भी तोड़ दिया। और अभी जो प्राइस है वो आपका 100 डेज, 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। अभी देखिए, मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 285 का है। और अभी शेयर आपका लगभग नीचे गया था 2020 मई में 55 पे, तब से शेयर लगातार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के लगातार 3 वीक से शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट पे। देखिए, इसी हफ्ते ने आपका सुपर टेन ने एक अच्छा कैंडल बना के यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है। अभी जो प्राइस है आपका अबव 60 है। MACD 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन लगातार 2 हफ्ते से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे मुझे तो लगता है और कुछ दिन में 100 एंड 200 का जो मूविंग एवरेज है इस दोनों के बीच में एक आपका क्रॉसओवर हो सकता है। अगर एक क्रॉसओवर हो गया तो ये शेयर बहुत ही ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अभी तक जितना वीकली डेटा मिला आपका टेक्निकली, उस हिसाब से आपका वीकली चार्ट में भी एक क्लियरली मुझे शो हो रहा है कि ए अप ट्रेंड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। और देखिए, मैंने इसका मंथली चार्ट ओपन कर लिया। ये शेयर आपका हाई गया था 2018 में लगभग 269 के करीब, तब से शेयर बहुत लो आया। लो आके यहाँ पे एक आपका सपोर्ट लिया आपका 56 के रेट पे, तब से ये शेयर लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, लास्ट 2 महीने में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसी महीने में ऑलरेडी इस महीने का आज तारीख के 12
से बाद उनके अंदर एशिया लगभग पिछले महीने का जो कैंडल है उसको इंगल्फ कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सुपर टेन ने बाई बोला था, तब से एशिया लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे गिरा, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट का जो इंडिकेटर है वो मैं लगा के रखा हूँ। यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे सपोर्ट लेके एशिया फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और RSI भी देखिए, LF 60 और MACD भी देखिए आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब मंथली चार्ट में भी हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है इसका जब करंट मार्केट प्राइस है 257-258, इसी प्राइस में अगर एशिया बाय किया जाए तो एशिया बहुत जल्दी, मतलब आपका 7 से 8 महीने के अंदर 350 का जो लेवल है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे वो कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ना कि मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ना ही मैं यहाँ पे किसी को कुछ भी टिप्स देता हूं। मेरा जितना टेक्निकल और फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली एंड फंडामेंटली कैसा है। धन्यवाद।